हम यहाँ तुझे मारने नहीं बल्कि कुछ बताने आए हैं। अरे तेरा मालिक जांग ठोक कर हमसे चैलेंज करके गया है कि हमारी सौंदर्या की शादी तुझसे करवाएगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, लेकिन हर बार हमारे हाथों से वो नहीं बच सकता। हर बार संडे नहीं होता बेटे, हर दिन बचने का चांस नहीं मिलता बेटे। अगर तुमने अपने मालिक का कहना माना तो तुम्हारे मालिक को टीका लगाने के लिए उसका गर्दन ही नहीं रहेगा। बता दो उसको। मैंने आपको वचन दिया, उसके बाद भी मैंने शादी कर ली, ये गलत है, लेकिन आपकी सलामती के लिए ये किया। जब तक मेरे चाहने वाले और मेरा भगवान मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। कौन है लड़की? हमारे कॉलेज में ही काम करती है, नाम है वसुंधरा। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। चलो। तुम्हारी शादी जिस लड़के से होने वाली थी उसका गांव कौन सा है? जो लड़की आपके घर की बहू बनने वाली थी मैं उसे वापस करने आया, मेरी वजह से तकलीफ हुई, माफ करिए। अरे वाह, तुमने शादी को समझ क्या रखा है। अच्छा परिवार है ये सोचकर हमने हाँ कही थी। उस दिन ट्रेन में हंगामा करके इस लड़की को लेकर चले गए। तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, उन्होंने बताया भी नहीं, और तुम कह रहे हो इस लड़की को हम अपने घर की बहू बना लें, क्यों? यही तुम्हारा न्याय है क्या? मेरी जगह पर अगर तुम होते तो तुम क्या करते, बताओ। जिस लड़की को तुम उठाकर ले गए थे, अब वापस लाके बोलते हो मैं शादी कर लूं? क्या है सब, तुमने आखिर हम लोग को समझ क्या रखा है भाई? जिस कारण के लिए मैं इसको लेकर गया था वो कारण पूरा नहीं हुआ। मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया। देखिए जो होना था वो हुआ, ये लड़की हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग भी इज्जतदार लोग हैं और कोई भी इज्जतदार इंसान ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप इस लड़की को यहाँ से ले जाइए प्लीज। सिर्फ बच्चे पैदा कर लेने से नहीं होता, उसको अच्छा संस्कार देने के लिए हमारा अच्छा होना जरूरी होता है। और खासकर अगर बेटी हो तो हमें झुक कर रहना है, ये भी सीखना चाहिए। इसलिए सब कुछ हो गया। जो तुमने सोचा वो नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ उसके लिए ऊपर वाले ने तुमको मौका ही नहीं दिया। तुमने ये सब कुछ शुरू किया था, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। इंसान जो करता वही भरता है, अब भरो। जवाब देना होगा, तब तक मैं यहीं पर रहूंगी।
हेलो हेलो, क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? आपके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सच में सौंदर्या, तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। इज्जत सबके लिए प्यारी होती है। बात क्या है? कुछ नहीं सौंदर्या, शादी में जो रिश्तेदार आए हैं उन्होंने जाने के लिए टिकट बुक करवाया है। आषाढ़ मास आने वाला है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं है। मिठाइयाँ बनाई है वो भी खराब होने वाली है। तुमने अगर हाँ कहा तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। हाँ इसकी शादी की प्रॉब्लम है और मेरी फर्स्ट नाइट की प्रॉब्लम। अगर ये मुहूर्त निकल गया तो आगे कोई मुहूर्त नहीं है। शट अप! तुम लोग कैसी औरत हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है, आज नहीं तो कल फर्स्ट नाइट का मुहूर्त निकाल ही सकती हो। और तुम्हारा तो मंगनी हो चुका है, शादी तो कभी भी कर सकती हो। मेरी शादी में तो बेवजह की अड़चन पैदा की गई। मैं किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ पता है? आज के बाद अगर तुम लोगों ने इस बारे में कोई भी बात की तो पता नहीं मैं क्या कर डालूंगी। चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। अरे जल्दी चल। मैं तुमसे माफी मांगूं और तुम मुझे माफ ना करो, ऐसी गलती मैंने नहीं की है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूं ये बताओ। मुझे किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े और बेवजह मेरे ऊपर कोई भी उंगली ना उठा सके, इसलिए जो भी हो सकता है वो तुम करो। शादी करोगी? हाँ करूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं करना चाहूंगी। इसकी बात सुनकर ऐसा लगता है अपना उद्धार किए बिना ये यहाँ से नहीं जाएगी। आज तो यहाँ बैठी है, कल जाकर नरसिम्हा के छाती पे मूंग दलेगी। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा। खुला है दरवाजा दिल में तू आ, भर लूंगा बाहों में दूर तू न जा। कहते हो ऐसे तो आऊंगी रे, कर लेना तैयारी खाऊंगी रे। टाइम पे आ जाना देर ना करना, मजे में टाइम पास साथ में करेंगे हम। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर देखा। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर देखा। आजा आजा तू, आजा आजा तू, आजा आजा तू, आजा 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 आजा। चामुंडा देवी की आरती उतारू, मुकम्बी देवी के चरण पकारू। यारी इबादत मैं सच्चा करूंगा,
तेरा हूँ तेरी मैं रक्षा करूँगा। तेरी कसम दिल जानी बन जाऊंगे तेरी रानी। कहता हूँ जो मेरा कहना समझ, मैं तेरा मुझको तू गहना समझ। हाय बस इतना काफी है, इतना ही काफी है। इतने से तो मेरा काम ना चलेगा रानी। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा। फैक्ट्री वो कर दूं नाम तेरे, चाहो अपना मैसूर पैलेस कर लो दाम तेरे। तेरी मीठी बातें मीठी शक्कर से भी ज्यादा, जगह मिले दिल में तेरे ऐसा है इरादा। अरे कंगना दिला दूं तुझको, अरे कुंडल और लहंगा भी ले जा तू। मुझको जरूरत क्या बोलूं क्या रे, बस एक निशानी बोले लूं मेरे। क्या लोगी बोलो क्या लोगी, सिंदूर ला फेरे ले बीबी बना गिले जा। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा। अच्छा? कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा। खुला है दरवाजा दिल में तू आ, भर लूंगा बाहों में दूर तू न जा। कहते हो ऐसे तो आऊंगी रे, कर लेना तैयारी खाऊंगी रे। टाइम पे आ जाना देर न करना, टाइम पे आऊंगी देर न लगाऊंगी। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा। कभी घर मेरे तू खाने पे आ, मेरी इस बात पे ना तेवर दिखा।